आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से आप JDK यानी जावा के कंपाइलर को सेट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है JDK। जैसे ही आप JDK टाइप करेंगे तो आपके सामने ओरेकल की वेबसाइट आएगी जावा डाउनलोड के नाम से। तो जैसे सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने। तो यहाँ पे दो वर्जन है, जावा 19 और जावा 17। जावा 17 जो बेसिकली पुराना वर्जन है और जावा 19 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो मैं यहाँ लेटेस्ट वर्जन करूँगा, तो मैं जावा 19 को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं, लिनक्स, मैक और विंडोज़। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो जस्ट विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इंस्टॉलर x64 वाला, तो इसको आपको डाउनलोड करना है। ये 64 बिट के लिए ओनली, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसकी जो साइज़ है ये है 158 MB के समथिंग की, तो इसको जस्ट सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ। और उसके बाद आपको ब्राउज़र को क्लोज कर देना है और आपको जाना है दिस PC पे। दिस PC पे जाने के बाद जहाँ आपने डाउनलोड किया था वहाँ आपको नेविगेट करना है। तो मैंने FVM से डाउनलोड किया था, तो ये रहा मेरा JDK। इस पे जस्ट आपको डबल क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपके जो जावा का सेटअप है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसकी जो लोकेशन है इसको डिफॉल्ट रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट आपको टाइम लगेगा, तो वेट करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसको जस्ट सिंपली यहाँ से क्लोज कर देना है और आपके इसको भी क्लोज कर देना है फाइल एक्सप्लोरर को। के बाद आपको अगेन जिस PC पे ही जाना है। अब हमने जो इसके बाद अगेन को जाना है जिस PC पे और वहाँ ने और आपको जाना है लोकल डिस्क सी में यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक फोल्डर जावा और एक दिखेगा कॉमन फाइल्स। तो सबसे पहले जावा में जाने के बाद JDK 19 जो कि लेटेस्ट वर्जन है अभी का। इसके बाद यहाँ से ये जो पाथ है इसको आपको जस्ट सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। ये इस तरीके से आपके सामने अपीयर होगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप पहुँच जाएंगे सिस्टम प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट टैप करना है न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके न्यू पे क्लिक करने के बाद वेरिएबल नेम में आपको देना है जावा अंडरस्कोर होम और वेरिएबल वैल्यू में जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारा जो जावा होम का था काम ये तो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद में अगेन आपको वहीं फाइल दिस PC पे जाना है। दिस PC पे जाने के बाद इसके बाद जावा 19 का जो पाथ था ये, इसके बाद जावा 19 वाला जो पाथ हमने कॉपी किया था इसमें आपको दिखेगा एक और फोल्डर बिन के नाम से। तो इस बिन के पाथ को कॉपी करना है आपको और अगेन वहीं जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे। और यहाँ पे जाने के बाद सिस्टम वेरिएबल्स में आपको दिखेगा पाथ, इस पाथ पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में ये आपको क्लिक करना है न्यू पे और जो हमने पाथ कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है। उसके बाद अगेन हमने दो पाथ सेट कर दिए, अब बारी है लास्ट पाथ की। तो अगेन आपको फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है। अब आपको बैक जाना है थोड़ा सा प्रोग्राम फाइल्स के पास। प्रोग्राम फाइल में जैसे ही हम आ गए तो यहाँ पे देखिएगा आपको कॉमन फाइल्स, इस पर क्लिक करना है और ओरेकल में आपको जाना है। ओरेकल में जाने के बाद आपको दिखेगा जावा, यहाँ पे आने के बाद जावा पाथ, और यहाँ से ये जो जावा पाथ है इसको कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद अगेन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाने के बाद अगेन आपको जाना है पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो कॉपी किया था हमने उसको अगेन पेस्ट कर देना है और ओके क्लिक कर देना है। ठीक है,
ये हमारा जो पाथ का काम था ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ। CMD ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है जावा हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर करना है। तो ये देखिए जावा का जो हमने पाथ सेट किया था ये सक्सेसफुली हमारे सिस्टम पे रन कर रहा है। अब मैं आपको कंपाइलर का भी बता देता हूँ। तो जावा आपको लिखना है जावा सी हाइफन हाइफन वर्जन और एंटर। तो हमारा जो जावा का कंपाइलर है ये भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से JDK यानी जावा के कंपाइलर को सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।